और जहाँ तक राहुल जी का सवाल है तो वो यहाँ आ रहे हैं ऐसा मुझे पता लगा, तो उनका स्वागत तो होना ही चाहिए। मैंने पत्रकार परिषद के माध्यम से उनका स्वागत करने की कोशिश की। जहाँ तक कांग्रेस की नीति का सवाल है तो नीति हमेशा राजनीतिक दलों की अच्छी होना चाहिए, पर साथ में नीयत भी अच्छी हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उत्तराखंड जैसे प्रदेश में, जिसको कि देवभूमि कहा जाता है, जो कि हमारे देश का एक मुकुटमणि है, और इसलिए कि सारे देश की आस्था और दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों की आस्था यहाँ के चारों धाम पर है, यहाँ के गंगा जी पर है, केदारनाथ पर है, बद्रीनाथ पर है, गंगोत्री पर है, यमुनोत्री पर है, हमारे पूरे हरिद्वार पर है, मतलब लोगों की बड़ी आस्था है वाला प्रदेश। और इसलिए तीसरा महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, जो सबसे ज़्यादा गंभीर है, वह है देश का यह सीमावर्ती प्रदेश। और इसलिए जिस तरीके से चाइना की विस्तारीकरण की नीति है, ऐसे समय में हमारी सीमाएं मजबूत होना चाहिए। तो मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना को सक्षम किया है, सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे बनाए हैं, और वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तराखंड में भी बन रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की नीति और एनडीए की नीति में जिस तरीके से सीमा में काम चल रहा है, वो बहुत ज़रूरी है देश की सुरक्षा के लिए भी। जहाँ तक इस प्रदेश का सवाल है, तो मुझे कहते हुए इस बात की प्रसन्नता है कि हालांकि मोदी जी सारे देश में विकास कर रहे हैं, पर उत्तराखंड के प्रति उनका एक विशेष अनुराग है, विशेष प्रेम है, क्योंकि वो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो आकर यहाँ पर उन्होंने कभी किसी समय में साधना भी की है, तो वो चाहते हैं कि एक आइडियल प्रदेश बने, एक अच्छा प्रदेश बने। और इसीलिए उन्होंने अपने भाषण में ये बात कही कि आने वाला दशक उत्तराखंड का है। मैं एक आशा की किरण दिखाई देती है कि उत्तराखंड का उनके नेतृत्व में और ज़्यादा विकास होगा। पहले संसद के बयान को लेकर मुझे लगता है कि कांग्रेस जैसी पार्टी के लीडर जब मर्यादा का ध्यान नहीं रखते, जो चौराहे पर भाषण देते हैं वह अगर पार्लियामेंट में देंगे, तो इससे पार्लियामेंट की भी गरिमा समाप्त होगी, और एक हमारे यहाँ देश के प्रजातांत्रिक ढांचे के अंदर हमारे तीन प्रमुख स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के संविधान में तीनों स्तंभ के बारे में, उनकी मर्यादाओं के बारे में कहा गया है। मुझे बहुत अफसोस है कि राहुल जी ने जिस प्रकार पिछले दिनों महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना भाषण प्रारंभ किया, और उन्होंने न्यायपालिका पर जो उंगली उठाई, उन्होंने चुनाव आयोग पर जो उंगली उठाई, मैं समझता हूँ यह एक तरीके से प्रजातंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक उनका भाषण है। उन्हें देश से माफ़ी मांगना चाहिए। चौराहे पर बैठकर आप कुछ भी भाषण दें, जब पार्लियामेंट में दें एक जवाब, तो एक जवाबदार संसद सदस्य के हिस्से से उन्हें भाषण देना चाहिए। उनका भाषण बिल्कुल गरिमापूर्ण नहीं था। मुझे याद आ रहा है एक देश के वरिष्ठ पत्रकार ने कल बड़ी सटीक टिप्पणी की, वेद प्रताप वेदिक जी बहुत बड़े पत्रकार हैं आपकी बिरादरी के, उन्होंने बहुत सटीक टिप्पणी की, मैं उनके शब्दों का यह उल्लेख नहीं करना चाहूँगा, पर उन्होंने कहा कि इस प्रकार का भाषण कांग्रेस के नेता अगर देंगे तो कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, इसको देश को समझना चाहिए। ये वेद प्रताप वेदिक ने अपने कॉलम में लिखा, तो उनका भाषण बहुत आपत्तिजनक है और उन्हें देश से माफ़ी मांगना चाहिए।